हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कुछ अनबॉक्स में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास है Vivo V11 Pro। जैसा कि आप टाइटल से दोस्तों समझ गए होंगे कि आज जो हमने ऑर्डर किया है फ़ोन, और इसको करेंगे हम यहां पे अनबॉक्स। बट आप जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, हर एक चीज़ अमेजोन या फिर पेटीएम या फिर जबोंग की पॉलिथीन में। दोस्तों मैंने फ़ोन ऑर्डर करते वक्त काफ़ी वेट किया फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ़ोन का, जो कि मैं प्राइम कस्टमर एक्सपेक्टेड था दो दिन में डिलीवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मोर ओवर, जब भी आप फ़ोन या लैपटॉप या कोई भी महंगी चीज़ परचेज करें, आप कुरियर बॉय के सामने रिकॉर्ड करते हुए उसके सामने ही बॉक्स खोलें और मेक श्योर करें कि आपका फ़ोन अवेलेबल है बॉक्स में, या उसकी जगह कोई सोप तो नहीं पड़ा या तो कोई ब्रिक तो नहीं पड़ी। तो इसलिए मैं इस बॉक्स को खोल चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ मैं फिलहाल करूँगा इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग और बताऊँगा इस फ़ोन के बारे में और जो मैंने बेस्ट डील पिक करी है उसके बारे में। तो बात करते हैं इस बॉक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है इस फ़ोन में, और साथ में यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन जो है मिलती है जिसमें कोई बटन नहीं है। इसके अलावा आप ड्यूल पिक्सल कैमरा मिलता है और 6GB रैम के साथ में है। बात करते हैं प्राइसिंग जो कि बॉक्स पर लिखी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं 28,990 रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। और लेफ्ट साइड पर वीवो कैमरा एंड म्यूज़िक, जैसा कि वीवो के फ़ोन बहुत ही ज़्यादा कैमरा और म्यूज़िक के लिए ही फेमस है, और स्पॉन्सर्ड बाई IPL वीवो। और बॉक्स के अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं है। बात करते हैं इनसाइड इन बॉक्स की, तो अगेन इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है एक बॉक्स जिसपे लिखा हुआ है वीवो। और इस बॉक्स के अंदर चेक करते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। तो यहाँ पर एक है प्रोडक्ट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। और साथ में मिलता है ये आपका सिम इंजेक्टर, जिससे आप अपनी सिम को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये मिलता है ट्रांसपेरेंट बैक कवर, जिससे कि आपको नया फ़ोन खरीदने के बाद तुरंत ही बाद एटलीस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में फैंसी बहुत सारे इसके कवर अवेलेबल हैं, तो यू कैन चेक इट आउट। बात करते हैं फ़ोन की, तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर मिला है हमें फ़ोन जो कि बहुत अच्छी पैकिंग के साथ में। यहाँ पर हम इस फ़ोन को निकालते हैं और देखते हैं फ़ोन के फीचर्स, फ़ोन की स्टाइलिंग। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ़ोन को 360 डिग्री से आगे पीछे दाएं बाएं सारी जगह से दिखाऊंगा। यहाँ पर बॉटम में लिखा है डिज़ाइन बाय वीवो, बहुत प्यारा कलर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और तो और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर इस पर आप टॉप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गोल्डन कलर का यहाँ पर वीवो लिखा हुआ मिलेगा, और कैमरे को जो है कवर कर रखा है विद फ्लैश लाइट। तो बात करते हैं आप इसकी राइट साइड की, तो यहाँ पर दोस्तों बटन मिलता है आपको, देख सकते हैं यहाँ पर आपका पावर बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन। और बात करते हैं अब इसके बॉटम में, तो दोस्तों यहाँ पर बॉटम में देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिलता है साउंड जो है बार, जिसको आप साउंड ग्रिल कह सकते हैं, जिससे आप साउंड इफेक्ट या फिर स्पीकर मोड पर जब सुने तो यहाँ से आएगा साउंड। और बात साथ में मिलता है USB मिनी USB पोर्ट, तो ये मिनी USB पोर्ट मिला है। यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जर नहीं है, जो इससे आपकी आप एक फास्ट चार्जिंग एक्सपेक्ट करें। मोरओवर मिलता है आपको यहाँ पर प्राइमरी माइक, और यह है 3.5mm जैक जिसमें आप अपनी लगा सकते हैं लीड। बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मिलती है आपको सिम ट्रे। हम इस सिम ट्रे को अभी चेक करते हैं कि देखते हैं सिम ट्रे में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा कि जनरली जब आप एक बड़ा फ़ोन खरीदते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का, और साथ ही इस फ़ोन को ऑन करते हैं दोस्तों। तो ये मैं फ़ोन ऑन करने जा रहा हूँ, और साथ में हम चेक करते हैं जो यहाँ पर हमें ट्रे मिला है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं, कितना एक्सपेंडेबल है। तो दोस्तों ये मैंने इंसर्ट करके निकाला ये जो ट्रे है, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सेपरेट दो सिम यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर एक मेमोरी कार्ड 64GB का या 32GB का, जितना आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा भी सकते हैं ईजिली, और आई थिंक ये 256GB तक सपोर्ट करता है, तो एक काफ़ी अच्छी खासी मेमोरी आप इस फ़ोन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है दोस्तों फ़ोन, और देख सकते हैं यहाँ पर है ये फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 8.1 पर। और यहाँ पर हम सेटअप करते हैं इस फ़ोन को, और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जैसा कि आप करेंगे तो चूज़ इंग्लिश और इंडिया, इसके अलावा सारे ही लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हुए। यहाँ पर ये पूछता है वाईफाई, सो गाइज वी डोंट हैव वाईफाई राइट नाउ। और बड़ी जल्दी देखिए मैंने स्विच करा, और कितनी जल्दी ये स्विच भी कर लेता है फ़ोन को। तो इन ऑप्शंस को हम करते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट, और देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछता है सेट डेट एंड टाइम करने के लिए, वो तो अब बाद में भी कर सकते हो। और यहाँ पर आया फिंगरप्रिंट एंड फेस एंड पासवर्ड, सो
तो मैं इसको जा रहा हूँ सेट करने, अपनी फोटो क्लिक करने दोस्तों, गिव मी अ मोमेंट। इससे पहले हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा एक नॉर्मल सा पासवर्ड, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, तो यहाँ पर आप ये जो डिटेल्स हैं फिल करने के बाद करें डन, और यहाँ पर हो गया ऑलमोस्ट रेडी। तो यहाँ पर मांग रहा है इसको स्कैन करने के लिए, और मैं दोस्तों अपनी फोटो क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कर लिया मैंने फोटो क्लिक, और यहाँ पर हो गया है ऑलमोस्ट ये रेडी। और अगेन यहाँ पर हम डालेंगे पासवर्ड। बात है यहाँ पर अब रजिस्टर अ फिंगरप्रिंट, जो सबसे इस फोन का कूल फीचर है, और आने वाले फोन्स में ये फीचर आने वाला है दोस्तों। वन प्लस 6T में भी ये फीचर जो है दिखेगा आपको। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे फिंगरप्रिंट को स्कैन, और ये बहुत कूल फीचर है। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको मिल रहा है, कोई सेपरेट बटन नहीं है, इवन आपको बैक पर इसके क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा फ़ोन बाय करने जा रहे हैं तो वीवो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हार्डवेयर वाइज बहुत अच्छी सेटिंग्स दी गई है, और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है ये फिंगरप्रिंट। कुछ वीडियोज़ मैंने देखे बताया कि फिंगरप्रिंट स्लो है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आने वाले और एक वीडियोज़ बनाने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर भी, स्लो है या नहीं। बट एज इफ नाउ यूज़ करते वक्त पता लग रहा है बहुत ही फास्ट है दोस्तों। ये हो चुका है सक्सेसफुल रजिस्टर, और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं ये जो फीचर दिया हुआ है बड़ा ही कूल फीचर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना स्टाइलिश है, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। इसको यही रखते हैं और जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर कुछ सर्विसेज हैं जिसको आप ऑन कर सकते हैं, तो फिलहाल इसको हम ऑफ करते हैं और देखते हैं फर्स्ट लुक में इसको स्टार्ट करते हैं फ़ोन को। यहाँ पर अपना ओल्ड फ़ोन, अगर आप कोई ऑलरेडी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सीधा ही डेटा आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ हो गया है ऑलमोस्ट फ़ोन रेडी, आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेट्स योर फ़ोन हैज़ बीन सेट अप। करते हैं इसको यूज़ और देखते हैं क्या है इसके फीचर, क्या है इसकी मेमोरी, और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में दोस्तों। तो ये फ़ोन हो चुका है रेडी, और जाते हैं इसकी सेटिंग्स में, देखते हैं क्या स्मार्ट फीचर्स हैं। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं इनेबल इजी टच, जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं यहाँ से तो आपको मिलता है एक छोटा सा टॉगल, जैसे कि जो आपने आईफोन में देखा होगा या फिर आईफोन 10, 9, 8, 7 बहुत सारे, इट्स अ कॉमन फीचर ऑफ आईफोन दोस्तों। तो ये फीचर आपको इस फोन में मिलता है, यू कैन सी इट्स अ मिक्स अप ऑफ सैमसंग और आईफोन और वन प्लस। सेकेंड चीज बात करते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट ब्लूटूथ और OTG दोस्तों। अगर आप OTG डायरेक्टली USB मिनी पोर्ट में लगाएंगे, यहाँ पर जो बॉटम में दिया हुआ है दोस्तों, तो मार्केट में ऐसे पेन ड्राइव अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली आपके फ़ोन में लग जाते हैं, तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, एंड देन आप डायरेक्टली इसके अंदर 16GB 32GB का मेमोरी कार्ड, नॉट मेमोरी कार्ड बल्कि पेन ड्राइव लगा सकते हैं। और बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। यहाँ पर आपको एक जो भी मिलता है जो कि एक नया फीचर है, स्मार्ट कैमरा, और कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको ये सिखा देगा जिससे कि आप अपने कैमरा में जो है AI सीन आइडेंटिफिकेशन, AI पोर्ट्रेट फ्रेमिंग, जिससे आपको एक्चुअली इस फ़ोन को यूज़ करने का एक वे मिलता है। अगर आप इसको ज़्यादा इससे फैमिलियर नहीं है, इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो ये फ़ोन आपको काफ़ी कुछ सिखाता भी अगर आप ये फीचर्स इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है दोस्तों, तो इसके अंदर गेम मोड और स्मार्ट सीन मोड भी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ और अदर फीचर्स की, जैसे कि है मोटर बाइक मोड। तो अगर आप बाइक पे राइड कर रहे हैं या चला रहे हैं तो आप इस मोड को ऑन करके बाकी सारी कॉल्स डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही एक SMS सेंड कर सकते हैं जो भी आपको फ़ोन कर रहा है उस वक्त। इसके अलावा बात करते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ोन बहुत सारे अवेलेबल हैं आई बिलीव, और यहाँ से फॉन्ट भी यहाँ पर फिलहाल एक ही है जो कि आई थिंक चाइनीज़ लैंग्वेज में है, बट आप डाउनलोड ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको कलर टेम्परेचर मिलता है जो आप एडजस्ट करके आप स्क्रीन देखिए थोड़ा सा टिंट हो जाती है, और वार्मर स्क्रीन आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ तो ये काफ़ी फ़र्क लेके आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप रात में यूज़ कर रहे हो या डे लाइट में यूज़ कर रहे हो, तो ये जो स्क्रीन है काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है डे लाइट एंड आउटिंग में भी। यहाँ से फ़ोन चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ और अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर। जैसे कि इसके अंदर तीनों ही फीचर है, आप स्क्रीन लॉक कर सकते हैं पैटर्न के थ्रू, और दूसरा आप सेंसर यूज़ कर सकते हैं जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर है, और तीसरी चीज़
आपको यहाँ पे मिलता है स्मार्ट जो फीचर है जिससे आप फेस अनलॉक कह सकते हैं, आप फेस करेंगे तो ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, जैसे कि यहाँ पे बैटरी स्टेटस और रैम एंड स्टोरेज, बाकी सारी चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा। इस मतलब जो ये स्क्रीन है दोस्तों, ये है सुपर एमोलेड जिसमें कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिखते हैं। अगर आप इसमें फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं या फिर क्लिक करते हैं देख रहे हैं मूवी या फिर कुछ भी जो यूट्यूब पर, तो बहुत ही अच्छे कलर्स के साथ दिखता है। 6.4 इंच स्क्रीन है दोस्तों, जनरली 5.5 इंच स्क्रीन होती है जिसमें आपको रिजोल्यूशन मिलता है 1080x2340 और जो कि 402 ppi के साथ में है। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नया है, अब तक किसी भी अदर फोन में नहीं है। साथ में इसके अंदर जो CPU है वो है Qualcomm का Snapdragon 660 जो कि octa कोर के साथ में है, और GPU है Adreno 512 जो कि एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाता है स्पीड के मामले में। बात करते हैं कुछ इंटरनल फीचर्स की, जैसे कि इसके अंदर मेमोरी की बात करते हैं दोस्तों की, मेमोरी 64 GB कंपनी कहती है कि इसके अंदर अवेलेबल है। और बात करते हैं एक्चुअल स्पेस की, तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो वेरिएंट मैंने बाय किया है ये 6 GB विद 64 GB है, जिसमें स्पेस मिलता है आपको 51 GB, जैसा कि अभी फ़ोन पूरा खाली है। और आप इसके अंदर OTG लगा सकते हैं, प्लस में एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं जिसके लिए सेपरेट स्लॉट मिलता है। बात करते हैं इसके कैमरे की, जिसमें फ्रंट जो कैमरा है दोस्तों ये है 25 MP जो कि फ्रंट कैमरा है। बिल्कुल आपको सेल्फी बिल्कुल खतरनाक मिलने वाली है अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कैमरा की, तो जो बैक कैमरा है दोस्तों ये दो ड्यूल कैमरा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस ड्यूल कैमरा में मिलता है 12 MP विद 5 MP विद डेप्थ सेंसर, और जो इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है वो है 2160x30 FPS/s। मोर ओवर अगर आप 1080 में करेंगे तो भी 30 FPS, हालांकि कुछ सैमसंग और वन प्लस के फ़ोन में ये 60 FPS तक अवेलेबल है। तो आपको ये फीचर मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि अगर अभी हम इसको वीडियो मोड पे जाते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ राइट साइड कॉर्नर में ऑप्शन है 720, 1080 एंड 4K। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया भी देता है अगर आप 4K में बनाते हैं तो 1 मिनट का 300 MB जो है इस्तेमाल होगा दोस्तों, और अगर आप बनाते हैं 1080 में तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा 125 MB, और अगर आप बनाते हैं 720 में तो इस्तेमाल होगा 64 MB। तो दोस्तों देख सकते हैं आप अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। मोर ओवर ब्यूटी कैमरा भी यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिलता है, तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पनोरमा मोड मिलता है, यहाँ पर आप प्रोफेशनल अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत भली बात है अगर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि कैमरे के मामले में इससे कूल फोन नहीं है मार्केट में, और साथ में इसमें एयर स्टिकर्स भी मिलते हैं दोस्तों, जिसमें आप तरह तरह के फेस बनाकर और जो चीज़ें जैसे V612 और अदर इस टाइप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और डिटेल्स की फ़ोन की दोस्तों, तो जैसे कि बताना चाहूँगा इसके अंदर आपको मिलता है FM रेडियो जो कि आने वाले टाइम में मतलब इन स्मार्टफोन में नहीं होता है बट इसमें है, और साथ ही मिलता है इसके अंदर आपको माइक्रो USB 2.0 जिसमें आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में है सबसे बड़ी बात बैटरी जिसके अंदर आपको मिलती है नॉन रिमूवल लिथियम पॉलीमर बैटरी जो कि 3400 mAh की है। चार्जर की बात करते हैं क्योंकि जनरली आपको बैटरी बड़ी मिल जाए बट चार्जिंग अगर फास्ट हो तो उसके क्या कहने हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलता है 2 ampere का चार्जर जिससे आप फास्ट चार्जिंग वन प्लस की तरफ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट एक रेगुलर चार्जर से ये फास्ट चार्ज जरूर करेगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेगुलर चार्जर 4 hours में चार्ज करता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 hours के अंदर आपका 100% चार्ज कर लेगा। मोर ओवर आने वाले वीडियोस में मैं इसको यूज़ करने के बाद अपना रिव्यू दूंगा दोस्तों कि इसका जो फीचर है, लोग कहते हैं कि इसके अंदर LTE 6 है जो कि इतना कैपेबल नहीं है, तो दोस्तों आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं यूज़ करने के बाद ज़रूर बताऊँगा। बात करते हैं इस स्मार्ट फीचर की, जो कि स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है अंडर डिस्प्ले, तो लोग कहते हैं खुलता नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए एक बार सिंगल क्लिक किया और इतनी इजीली क्लिक होने के बाद आपके सामने ही है दोस्तों। और बात करते हैं इसका जो स्मार्ट फीचर है जो कि फेस अनलॉक है, तो यहाँ पर मैंने अनलॉक किया है उसको, बाद मैं अपनी तरफ इसको करता हूँ दोस्तों और ये तुरंत ओपन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्लिक करते के साथ ही इतना क्विक रिस्पॉन्स है, और अगर आप बात करें बैक साइड पे तो बैक साइड में ये दो कैमरा है और बहुत ही
फिनिशिंग है बॉडी की मैं कहूँगा, अगर आप इसकी बात करें जनरली जो हमारा प्लेटफॉर्म है और जो इसका बैक है एक्चुअली ये मेटेलिक नहीं है, यहाँ पर आपको मिलता है प्लास्टिक बॉडी एक्चुअली। और ये जो प्लास्टिक बॉडी है इसका वेट गाइस बहुत ही हल्का है, 156 ग्राम का है। ग्लास बॉडी फ्रंट में है, जो बैक साइड है ये है प्लास्टिक फ्रेम एक्चुअली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जैसे पकड़ेंगे हाथ आपके निशान छप जाएंगे, क्योंकि बहुत ही फिनिशिंग है, ग्लॉसी है एक्चुअली, मैटी नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है बहुत ही खास फीचर्स हैं दोस्तों, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा और प्राइस भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है। इसके अंदर कुछ और फीचर्स आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त मैं आपको, जो कि मुझे बहुत ही कूल लगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट मोशन। स्मार्ट मोशन में अगर आप स्मार्ट वेक पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आप इसको अपवर्ड करके अनलॉक कर सकते हैं, डाउनवर्ड करके एक फोटो क्लिक कर सकते हैं, सी डायल करके डायलर को लॉन्च कर सकते हैं और एम डायल करके म्यूजिक को। इसके अलावा आप अदर भी देख सकते हैं। तो ये बहुत स्मार्ट फीचर लगा जो कि वन प्लस सीरीज में भी है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट डबल क्लिक ऑन वेक अप, तो वो नॉर्मल फीचर्स हैं आई बिलीव, आजकल जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो वो फीचर्स उनमें भी हैं, बट इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्लस, सैमसंग एंड आईफोन। और बात करना चाहूँगा इसके बाद प्राइसिंग की दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये जो मैंने फ़ोन परचेज़ किया है ये एटलीस्ट कॉस्ट कर रहा होगा 25,990 रुपये। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फ़ोन है और आप बाय करने जा रहे हैं इस फ़ोन को, तो आप अपना पुराना फ़ोन ज़रूर निकाल दें, क्योंकि मैंने अपना पुराना फ़ोन निकाला है MI Note 4। और आपको प्राइस भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ताकि आप इसको देखकर यकीन कर पाएँ। ये मुझे पड़ा है 16,233 रुपये में सिर्फ, जिसके अंदर मैंने पुराना MI Note 4 निकाला था, जिसकी इन्होंने एक्सचेंज वैल्यू दिया मुझे 6,556। मोर ओवर मैंने इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिला है मुझे, जो कि SBI कार्ड पर अप था, जिसमें इन्होंने इंस्टेंट माइनस किया है 1,943, जिसमें मैंने चूज़ किया है नो कॉस्ट EMI, और उसमें भी डिस्काउंट है यहाँ पर 1,257 रुपीज़। बाकी टैक्स और ये सारी चीज़ें जोड़कर मुझे जो पे करना है वो है 16,233 रुपये दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कूल फीचर है, और अभी भी अगर आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्राइस है 25,990 रुपये। और आने वाले दशहरे तो जैसे दोस्तों निकल गया, बट आई विल सजेस्ट यू अगर आपको बाय करना है तो आप इसको कार्ट में ज़रूर रखें, और आने वाली दिवाली डील में दोबारा से ये डील आएगी, तब आप अपने ओल्ड फ़ोन को इस फ़ोन को ख़रीदने में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 5,000 से लेकर 10,000, जैसा भी आपका फ़ोन है, जिस कंडीशन में भी आपका फ़ोन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे कूल फीचर ये भी है दोस्तों, अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये चीज़ ऑलरेडी ऑन होती है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ पर अपना अंगूठा लगाना है, आप चाहे जैसे ही लगाते हैं और ये तुरंत आपके सामने है दोस्तों। तो फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आने वाले वीडियोज़ में कुछ और नए प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ दोस्तों, और मुझे बताते रहें कोई डाउट इस फ़ोन को लेकर, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, मैं वो सारी ही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल अपने यूज़ करने के बाद। यहाँ पर मैं कोई पेड रिव्यू नहीं कर रहा, जैसा भी फ़ोन है आपके सामने है और मैं आपको सारी ही सच्चाई बताने वाला हूँ। अगर इसका जो सिम डालने के बाद रिस्पॉन्स ख़राब रहता है तो दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में आई विल टॉक अबाउट दैट। फिलहाल फ़ोन बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है, और अगर आपको ये फ़ोन पड़ता है 20,000 से लेस तो डेफिनेटली गो फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट गो फॉर इट। बहुत ही बेहतरीन फ़ोन लगा दोस्तों इस प्राइस रेंज में, आई बिलीव इससे बेटर कोई फ़ोन नहीं मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें, क्योंकि अगर कोई दोस्त आपका डाउट में है कि फ़ोन परचेज करे या ना करे, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट इट कि इसके अंदर ये है वो है, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही शानदार रहा है। और तो और आई विल सजेस्ट कि आने वाली डील दिवाली में परचेज करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको सारे ही प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज़।